रायपुर में छत्तीसगढ़ मछुआ कांग्रेस के राजीव भवन में एमआर निषाद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां मछुआ आयोग की आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मछुआ कांग्रेस के लोगों ने बिलासाबाई के नाम पर बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम रखा है, साथ ही मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा सीएम बघेल ने कहा कि पूरा नाम निषाद और मदन निषाद की जीवनी पर पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश ने जमकर पलटवार किया। मछुआ कांग्रेस की बैठक आज एमआर निषाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उसके मछुआ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और उनके जिला अध्यक्ष उपस्थित थे और हमारे प्रदेश के बहुत सारे सब साथियों के साथ मंत्री अभयजीत भगत और शैलेश नितिन त्रिवेदी, गिरीश देवांगन जैसे अनेक साथी उपस्थित थे और प्रभारी शकुन डेहरिया भी उपस्थित थी। और इस बात की बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की मछुआ कांग्रेस के लोगों ने कि बिलासा जी के नाम से एयरपोर्ट, बिलासपुर के जो एयरपोर्ट है बिलासा देवी के नाम से किया गया। दूसरी बात ये कि जो मछली पालन को कृषि का जो दर्जा दिया गया है जिसमें 0% ब्याज में ऋण मिलेगा और साथ ही बिजली बिल भी कृषकों को जिस दर पे मिलता है उसी प्रकार से उनको मिलेगा और उससे प्रसन्नता व्यक्त की। और पुनराम निषाद और मदन निषाद के नाम से उसे पुस्तक छपवाने की, उसे जीवनी के बारे में पुस्तक छपवाने की मांग की थी, उसकी मैंने घोषणा की।